अस्सलामु अलैकुम एवरीबडी, होप यू पीपल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। सो आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल, जो देखने में बहुत यमी और खाने में बहुत ज़बरदस्त। ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी थे और वेजिटेबल का टेस्ट तो बहुत ही कमाल था। सो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। एक कप हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, दो खाने की चम्मच हमें चाहिए घी ले लें या ऑयल ले लें, एक खाने का चम्मच हमें चाहिए नमक और आधा खाने का चम्मच हमें चाहिए नींबू का रस। यहाँ पे हमें तीन हमें जो है वो कप जो है वो मैदा चाहिए था। ये कप जो है वो तकरीबन 250 ml का है। आप देख लीजिएगा, आपके पास कोई भी कप अवेलेबल है तो आप उसके साथ जो है वो नाप सकते हैं। यहाँ पे तीन कप जो है वो मैंने मैदा लिया है और एक कप जो है वो इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड जाएगा। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाला। फिर उसके बाद हमने डालेंगे इसमें एक खाने का चम्मच नमक, दो खाने की चम्मच हम इसके अंदर में डालेंगे घी और आधा खाने का चम्मच जो है वो लेमन जूस जाएगा। अगर लेमन जूस नहीं है तो आधा खाने का चम्मच आप सिरका भी डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद, आप चम्मच से कर लें, स्पैचुला से कर लें, हाथ से कर लें इसको मिक्स, इसको हल्के हाथों से इसको मिक्स करें और उसके बाद इसको नीम गर्म पानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी डो तैयार करें। ये हम रोल की पट्टियाँ बनाने के लिए हम डो तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो हमने इसमें हल्का सा नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंदना शुरू किया है। आप इसको हाथों के साथ फिर गूंदें। अब जैसे जैसे आप डो को जो है वो गूंदते चले जाएंगे, ये थोड़ी सी स्टिकी होती चली जाएगी, तो कोशिश करें कि हाथों पे आप घी या ऑयल लगाकर जो है वो फिर इसको जो है वो डो को तैयार करें, उसको डो को जो है वो गूंदें। ये देखें, डो हमारी जो है वो बहुत अच्छी सॉफ्ट सी जो है वो तैयार हो गई है। इस पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगा के आप इसको रख दें थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट के बाद इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएं और इसकी रोटियां बनाना शुरू कर दें। अब आपकी एक जो है वो रोटी जब तैयार हो जाए तो उसके ऊपर आप लगाएं घी, साथ में उसके ऊपर लगाएं खुश्क मैदा, दूसरी रोटी बेलें और उसके बाद उसके ऊपर घी लगाएं और खुश्क मैदा लगाएं। अब जिस साइड पे आपने घी नहीं लगाया, वो साइड जो पहले वाली रोटी थी उसके ऊपर आपने डाल देनी है, यानी आपने तय बनानी है एक। ये देखिए, अब हमने तीसरी भी इसके ऊपर लगा दी। अब तीन रोटियां आपस में आप इसको बेलेंगे, तो ये देखिए, ये तीनों जो पेड़े हमने लिए थे वो बेलने के बाद एक रोटी की फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। हल्के से तवे पे जो है वो इसको धीमी आंच पे इसको पकाएं और जब दोनों तरफ से जो है वो हल्का हल्का सब पकना शुरू हो जाए तो आप इसको उतार लें। ठंडे होने के बाद इसको अलग करेंगे तो वो पट्टियों की फॉर्म में अलग हो जाएंगी। यहाँ कुछ वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, जिसमें शिमला मिर्च है, गाजर है, बंद गोभी है, चिकन हमने बॉयल करके उसके रेशे कर लिए थे, ये लहसुन है तकरीबन 3 से 4 और छोटा सा एक जो है हमारे पास प्याज था। हमें चाहिए 2 खाने की चम्मच काली मिर्च, 2 खाने की चम्मच नमक, सफ़ेद मिर्च हमें चाहिए और साथ में हमें चाहिए चिकन पाउडर। ये है ड्राइड पार्सले, ओइस्टर सॉस, हॉट सॉस, सोया सॉस और ऑलिव्स। 2 खाने की चम्मच हमने जो है वो घी हमने डाला पैन में। लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लें आप, फिर उसके बाद प्याज ऐड करें, प्याज को हल्का सा फ्राई करें और साथ में अपना बॉयल किया हुआ और रेशे किया हुआ चिकन जो है वो इसमें डाल दें। फिर हमने डाला इसमें गाजर, जो कि जूलियन फॉर्म में यानी लंबाई में हमने कटिंग की हुई है। आहिस्ता आहिस्ता वेजिटेबल्स डालते चले जाएं। गाजर को थोड़ा पहले डालने की ज़रूरत होती है, उसके बाद शिमला मिर्च डालें, फिर बाद में आप बंद गोभी डालें। फ्राई करने के बाद इसमें 2 खाने की चम्मच हमने ऐड किया सोया सॉस, 2 खाने की चम्मच इसमें जाएंगे चिली सॉस के और 2 खाने की चम्मच इसमें ओइस्टर सॉस का जाएगा। ओइस्टर सॉस आपको किसी भी जो है वो बेकरी से या जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। स्पाइसेस में हमारे पास है चिकन पाउडर 2 खाने की चम्मच, 2 खाने की चम्मच नमक है, 2 खाने की चम्मच काली मिर्च है और 1.5 खाने की चम्मच सफ़ेद मिर्च है और साथ में हमने ऑलिव्स डाले हैं। मशरूम्स हैं तो मशरूम्स भी डाल सकते हैं। ये देखें, ठंडे होने के बाद वो जो हमने रोटियाँ बेली थी वो बहुत बारीक बारीक सी
रोल फॉर्म में आ गई हैं। आप इनको काट लें इनको चकोर में, इनकी एक चकोर सी शक्ल में जो है वो इनको सबको इकट्ठा रख के जो है वो काट लें। ये आपकी जी जनाब रोल पट्टी आपकी जो है वो तैयार हो गई है। अब इसमें आपने जो अमेज़ा आपने बनाया था रोल के लिए उसकी फिलिंग करें, इनको लपेटें और फेंटे हुए अंडे को जिसको एग वॉश कहते हैं उसके साथ इसको जो है वो इसको बंद कर दें। आप हल्का सा जो है वो दो खाने की चम्मच जो है वो मैदा उसमें एक पानी के लिक्विड सा पेस्ट बना के उसके साथ भी इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन एग वॉश का ये होता है कि ये थोड़ा अच्छे से जो है वो बंद हो जाते हैं, रोल जो है आपके टूटते नहीं हैं, खुलते नहीं हैं। ये रोल हमारे तैयार हो गए हैं और बचा हुआ ये जो हमारे पास ये मटेरियल था ये हमने फेंकना नहीं है, इसको सेव करना है। ये चिकन का मटेरियल कुछ सेव कर लिया है मैंने नेक्स्ट टाइम बच्चों के स्नैक्स वगैरह के लिए। और ये जो कटा हुआ हमने इसके पीसेस रखे हैं ये चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, पापड़ फॉर्म में आप इसको भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल हमने हल्का सा गर्म कर लिया था बहुत हल्की आंच पे, लो मीडियम फ्लेम में हम इन रोल को जो है वो फ्राई करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए ये जब हल्के से जो है वो गोल्डन होना शुरू हो जाए दोनों साइडों से तो आप एहतियात से इसको जो है वो छलनी की मदद से जो है वो निकाल लें। यहाँ पे ये हमारे रोल जो हैं जनाब तैयार हो चुके हैं, आप इसको सर्व करें अपने मेहमानों के सामने और ख़ुद चाय के साथ खाएं और सबकी तारीफ़ें वसूल करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।